लद्दाख न सिर्फ एक शानदार जगह है बल्कि दिलचस्प भी है, और इस जगह के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस जगह पर्यटक खींचे चले आते हैं। लद्दाख ऊंचे दर्रों की भूमि और दुनिया की सबसे ऊंची स्थित बस्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो यह भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। भारत के बेहतरीन स्थलों में से एक होने के नाते लद्दाख में शांत झीलें, सुंदर मठ, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और अनगिनत हैरान कर देने वाले स्थान हैं। इन सब के अलावा लद्दाख कई रंग बिरंगे त्योहारों और अपनी बस्ती के बेजोड़ आकर्षण के साथ एक नगीना भी है। इस वीडियो में आपको लद्दाख के 20 फैक्ट्स बताए जाएंगे जो लद्दाख को खूबसूरत और घूमने लायक बेहतरीन स्थान बनाते हैं, जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि वाकई लद्दाख एक आकर्षण का केंद्र है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। साथ ही इस वीडियो में लद्दाख के एक रहस्यमयी जगह का भी जिक्र होगा जिसे एलियंस का अड्डा कहा जाता है, जहां के स्थानीय निवासी एलियंस के यूएफओ को उतरते और उड़ते देखे जाने का दावा करते हैं। आइए शुरू करते हैं, मगर ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? आई होप आप समझ गए होंगे। अब जब आप समझ ही गए हैं तो देरी क्यों, पसंद आएगा तो लाइक कर ही दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, रहस्यमय सफर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नंबर एक, सर्वश्रेष्ठ स्टारगेजिंग स्थान। बहुत सारे यात्री जो लद्दाख का दौरा करते हैं उनमें से बहुत लोग इस तथ्य से अनजान होंगे कि यह तारों को निहारने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। हाई ऊंचाई का यह क्षेत्र अपने साफ आसमान और कम लाइट पॉल्यूशन लेवल के लिए जाना जाता है, जो इसे मिल्की वे देखने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। और तारों को निहारने के लिए लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीनों के दौरान होता है। बता दूं कि हानले में स्थित वेधशाला आश्चर्यजनक रूप से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर दो, भारत की सबसे ऊंची बस्ती। लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर फसल की खेतों के साथ लद्दाख को भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित खेती होने वाली बस्ती के लिए भी जाना जाता है। बता दूं कि ये खेती के क्षेत्र कोर्जोक में स्थित है और कोर्जोक वाकई देखने लायक है। नंबर तीन, नुब्रा घाटी के ऊंट। लद्दाख में नुब्रा घाटी में पाए जाने वाले बैक्ट्रियन ऊंट या दो कूबड़ वाले ऊंट विशेष रूप से केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह तथ्य भले ही नया ना हो लेकिन रोचक जरूर है, क्योंकि इस दुर्लभ प्रजाति को खोजना मुश्किल है, मगर नुब्रा में आप इस ऊंट की सवारी कर सकते हैं। नंबर चार, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान द्रास। लद्दाख में स्थित द्रास एक छोटा सा गांव भारत का सबसे ठंडा स्थान है जहां लोग रहते हैं, और इसे पूरी दुनिया में लोगों द्वारा बसाए गए दूसरे सबसे ठंडे स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यहां का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। नंबर पांच, पेंगोंग झील। लद्दाख की झीलें लुभावनी रूप से सुंदर हैं और उनमें से एक सबसे अच्छी पेंगोंग झील है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, जिसे भारत में सबसे ऊंची मानी जाती है। लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग झील की लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है, लेकिन लद्दाख की इस खूबसूरत झील का सिर्फ 30% हिस्सा ही भारत में है, बाकी 70% चीन में है। नंबर छह, नदी पर चलना। चौंकिए मत, सही सुने आप, नदी पर चलना आपके लिए भी संभव है। लेह लद्दाख के सबसे लोकप्रिय ट्रैक में से एक चादर ट्रैक है, जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में किया जाता है। इस दौरान जंस्कार नदी ऊपर से जम जाती है और नदी के ऊपर एक मोटी बर्फ बन जाती है, जिस पर लोग नदी पर चलने का आनंद लेते हैं। लेकिन बता दूं कि आप जब इस बर्फ की चादर के ऊपर चलेंगे तो बर्फ की चादर के नीचे बहते पानी को भी महसूस कर पाएंगे, है ना रोमांचक। नंबर सात, लद्दाख का आखिरी गांव। तथ्यों के अनुसार लद्दाख के अंतिम गांव का नाम तुरतुक है। यह अंतिम बिंदु है जहां तक भारतीय सेना द्वारा पर्यटन की अनुमति है। इस बिंदु के बाद पूरा क्षेत्र संवेदनशील है
और किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 8, बेली ब्रिज। समुद्र तल से लगभग 5,602 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर स्थित है बेली ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और ये लद्दाख में स्थित है। ये पुल सुरू नदी और द्रास पर बनाया गया है, जो 1982 में बनाया गया था। ये भारत की सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले लद्दाख के मानचित्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। नंबर 9, आकर्षक चुंबकीय पहाड़ी। मैग्नेटिक हिल लद्दाख का गुरुत्वाकर्षण विरोधी क्षेत्र है और साथ ही एक दिलचस्प जगह भी है। इस क्षेत्र में तकनीकी रूप से आप पहाड़ी से नीचे जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप चुंबकीय पहाड़ी पर चढ़ रहे हों। यह लद्दाख में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है और कई यात्री इस जगह पर क्वाड बाइक की सवारी का आनंद भी लेते हैं। नंबर 10, पक्षियों की ढेर सारी प्रजातियों का घर। हर साल हजारों पर्यटक लद्दाख के शानदार नजारे देखने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं लद्दाख सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का घर भी है? जी हां, लद्दाख के पहाड़ और बीहड़ भी पक्षियों के घर हैं। विभिन्न सर्वे से मिली जानकारी के अनुसार लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में 350 से ज्यादा प्रजाति के पक्षियों का बसेरा होता है। ये पक्षी यहां स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, मेहमानवाजी का लुत्फ उठाने आते हैं और उनके वापस लौटने के बाद यहां महज 30 से 32 प्रजाति के पक्षी ही रहते हैं। थोड़ी और जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले पक्षियों में से करीब 110 प्रजातियों के पक्षी गर्मी से राहत पाने के लिए लद्दाख आते हैं। नंबर 11, लेह लद्दाख की छत, मतलब लेह पैलेस। लेह लद्दाख में घूमने के लिए लेह पैलेस सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक जगहों में से एक है। यह 9 मंजिला इमारत बहुत ही ऐतिहासिक है। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इस इमारत के साथ साथ यहां मौजूद हर चीज देखने योग्य है। इस इमारत से आप लेह के पूरे शहर के साथ साथ आसपास का शानदार नजारा भी देख सकते हैं। नंबर 12, रंगीन त्योहारों की भूमि। अगर आप यहां मनाए जाने वाले त्योहारों की संख्या की तुलना करेंगे तो पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके त्योहारों की संख्या लद्दाख से ज्यादा हो। साल भर में लद्दाख में लगभग 25 से 30 रंगीन त्योहार मनाए जाते हैं। यदि आप यहां सही समय पर सही जगह पर हों तो अपने समय का आनंद ले सकते हैं। नंबर 13, महिलाओं को आत्मरक्षा का ज्ञान। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बता दूं कि यहां 25 साल से कम उम्र की महिलाओं को आत्मरक्षा की कला सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। रुचि रखने वालों को द्रुकपा मठ में कुंग फू की तकनीक सिखाई जाती है, जो महिला की जरूरत के समय अपना बचाव करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। नंबर 14, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सड़कें। हालांकि BRO सीमा सड़क संगठन लद्दाख की सड़कों को बेहतरीन स्थिति में रखने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कुछ पैच ऐसे हैं जो शौकीन बाइकर्स और ड्राइवरों के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां पेश करते हैं, और इन चुनौतीपूर्ण सड़कों के कारण भी यात्री लद्दाख की सड़क यात्रा करना चाहते हैं। नंबर 15, वनस्पतियों में विविधता। लद्दाख के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक जीवों की विविधता है। सो मोरीरी, लेह या नुब्रा जैसी कई जगहें हैं जहां आपको जीवों की कई अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लेकिन यह स्थान वनस्पतियों की कई प्रजातियों से भी संपन्न है। बता दूं कि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के बेहतरीन स्थानों में से एक है, जो पर्यटकों को देखने के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पेशकश करता है। नंबर 16, हाई ऊंचाई वाली हॉकी रिंक। लद्दाख के करजुक क्षेत्र में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्राकृतिक आइस हॉकी रिंक है, जिसे पहली बार 70 के दशक में विकसित और उपयोग किया गया था, और तब से यह सर्दियों के दौरान यात्रियों के लिए लेह लद्दाख के प्रमुख स्थानों में से एक है। नंबर 17, पृथ्वी पर चंद्रमा। पूरी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो आकर्षक हैं या फिर दिलचस्प, लेकिन लेह लद्दाख दोनों है, और वह भी एक ही समय में।
क्योंकि लद्दाख में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक लामायुरु भी है, जो यहां पहुंचने पर ऐसा लगता है जैसे मानो आप चांद पर उतर गए हों। बर्फ की सफेद चादर पूरी तरह से चंद्रमा की सतह की नकल करती है, जो बिल्कुल अद्भुत दिखती है। नंबर 18, त्सोमोरीरी। हालांकि आपको त्सोमोरीरी के आसपास की तुलना में पेंगोंग झील के आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये दोनों झीलें शांति और सुंदरता की दृष्टि से लगभग बराबर हैं। मगर बता दूं कि त्सोमोरीरी भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाली झीलों में से एक है, जो पेंगोंग से भी ऊंची है। नंबर 19, सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग चोटी। लद्दाख में बहुत सारी साहसिक गतिविधियां होती रहती हैं और उनमें से ही एक है ट्रैकिंग। हालांकि इस खेल का आनंद लेने के लिए कई स्थान हैं, लेकिन उत्साही ट्रैकर्स में से एक लोकप्रिय है और वह है स्टॉक कांगड़ी। ट्रैकर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि वे इस रास्ते से ना चूकें। नंबर 20, हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या। लद्दाख में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक हेमिस नेशनल पार्क भी है, जहां आपको दुनिया में सबसे अधिक हिम तेंदुए मिलते हैं। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहां यह प्रजाति पनप रही है। आइए अब लद्दाख के रहस्यमयी जगह एलियंस का अड्डा के बारे में जानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ धरती पर शुरू होती है और धरती पर ही खत्म हो जाती है, तो यकीन मानिए आप गलतफहमी में हैं। और अपने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहिए। ब्रह्मांड में धरती की औकात रेगिस्तान में पड़े धूल के कण से भी छोटी है। ब्रह्मांड में धरती जैसे ग्रह हजारों, लाखों, करोड़ों हैं, जिनको जानने समझने का प्रयास आए दिन हमारे वैज्ञानिक करते रहते हैं। और आप जब ब्रह्मांड के बारे में गहराई से जानिएगा, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि बेशक यहां जीवन सिर्फ एक ही ग्रह पृथ्वी पर नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि एलियंस हैं, और लोगों के दावे इस बात को साबित करते हैं कि एलियंस को बेशक हम ना ढूंढ पाए हों, मगर एलियंस ने हमें ढूंढ लिया है। विज्ञान ने तो एलियंस को मान लिया कि एलियंस हैं, मगर विज्ञान के लिए ये पहेली आज भी बरकरार है कि वे धरती पर किस मकसद से आते हैं। इस विषय पर ढेर सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, लेकिन इस पहेली से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है कि वे कहां से आते हैं और क्यों आते हैं। हॉलीवुड की मूवी द फोर्थ काइंड में दिखाया गया है कि कैसे अलास्का शहर से लोग गायब हो रहे हैं। जब इस रहस्य से पर्दा हटता है, तो पता चलता है कि इन लोगों को एलियंस अपने साथ ले जाते हैं। और इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि भले ही दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है, लेकिन हो सकता है कि यही चुनौती भरा काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान से धरती पर आते जाते हों। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, मगर बता दूं कि एलियंस पृथ्वी पर कुछ चिन्हित जगहों पर ही आते हैं। रूस और अमेरिका में तो इसे कई बार देखा गया है, साथ ही इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक जगह है जिसे एलियंस का अड्डा कहा जाता है, जहां एलियंस को हर महीने देखे जाने का दावा किया जाता है। और इस दावे को नासा ने उस समय स्वीकार किया जब जून 2006 में गूगल सैटेलाइट ने यूएफओ की तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में यूएफओ को साफ देखा जा सकता है। अब अगर भारत में एलियंस के अड्डे की बात की जाए, तो यह जगह हिमालय की गोद में बसा है, जो लद्दाख में स्थित है, जिसे कोंकाला दर्रा या कोंकाला पास के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर जाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह बर्फ से ढकी पड़ी है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस सहमति के बाद से यह जगह और वीरान हो गया है। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कोंकाला दर्रा पर आते जाते रहते हैं, जहां उन्हें उड़न तश्तरी देखने को मिलता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उड़न तश्तरी देखना चाहता है, तो कोंकाला दर्रा में इसे देख सकता है, क्योंकि इस जगह पर हर महीने एलियंस आते जाते रहते हैं।
लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से एलियंस अपनी उड़न तस्तरी लेकर कोंकाला दर्रा आते जाते रहते हैं। कोंकाला दर्रा में देखी जाने वाली उड़न तस्तरी की पहेली आज तक नहीं सुलझी है, इसलिए कोंकाला दर्रा में एलियंस के आने जाने का रहस्य अब भी बरकरार है। तो ये थे लद्दाख के 20 फैक्ट्स जो लद्दाख को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं और एलियंस के यूएफओ का आना जाना इस जगह को रहस्यमय बनाता है। लद्दाख के और तथ्यों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए। आपके बताए गए तथ्यों पर ध्यान रखते हुए हम लद्दाख को लेकर एक और वीडियो जरूर लाएंगे। साथ ही कहीं की भी कोई भी रियल रहस्यमयी कहानी हो जिसका जिक्र इंटरनेट में ना हुआ हो और आप चाहते हैं कि उसका जिक्र इंटरनेट में हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम अपने चैनल में आपके बताए रहस्य का जिक्र जरूर करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। फिलहाल ये वीडियो अब समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग रियल रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक देखते रहें रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल, और हां ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thanks for watch and welcome to our channel.